यह एक आम लड़के की खास कहानी है। गुजरात के छोटे से गांव में जगदीश और सीमा अपने बेटे राम के जन्म पर अत्यंत खुश थे, लेकिन जन्म से ही राम के शिक्षा के लिए अक्सर चिंतित रहते थे। जगदीश खेतों में ज्यादा काम करता और सीमा अधिक बचाने की कोशिश करती। राम को दोनों ने सूरत के नामी स्कूल में एडमिशन कराया। राम पढ़ाई में कुशल और खेल कूद में भी अव्वल था। स्कूल के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज और देखते ही देखते सूरत की अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। राम सूरत में रहता और छुट्टियों में माता पिता से मिलने गांव जाया करता था। फिर उसने माता पिता को शहर लाने का सोचा। जगदीश और सीमा न चाहते हुए भी शहर आ गए, परंतु वे गांव का साफ वातावरण, हरियाली और दोस्तों की चहल पहल याद करते थे। राम को अपने हॉस्टल के दिन याद आ गए। उसे लगा जैसे उसने अपने माता पिता को कोई सजा दे दी है। उसने अपनी बात ऑफिस के एक मित्र को बताई। उसके मित्र ने एक ऐसा सुझाव दिया जिससे उसकी जिंदगी ही बदल गई। मित्र ने उसे गार्डन वैली के बारे में बताया, जिस माता पिता ने उसे तोहफे में जिंदगी दी थी। उसने उन्हें जिंदगी के कुछ अनोखे पल दे दिए। गार्डन वैली में उन्हें गांव जैसी हरियाली, खुशनुमा वातावरण और अत्याधुनिक सुविधा भी मिली। इतना ही नहीं, अन्य मेंबर्स से मुलाकात कर मित्र भी बन गए। अनजाना शहर भी उन्हें अपना सा लगने लगा। राम भी अपने काम में मन लगाने लगा और प्रगति भी पाई। माता पिता को खुश देखकर उसे लगा गार्डन वैली उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर फैसला था।